देखो जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें दो टर्म होती है उसको बाइनोमियल, तीन टर्म वालों को ट्राइनोमियल, और तीन से ज्यादा होता है तो पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर केवल अपन सबसे पहले फर्स्ट क्लास, देखो अभी इस एक्सरसाइज में केवल अपन बाइनोमियल थ्योरम, मेरे को गुस्सा आ गई तो बहुत पिट जाऊंगी। हाँ है, मजाक समझ रखा है पढ़ाई को। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें, और पहला क्या, सारे फॉर्मूले इसी से ही बनेंगे। अभी अपन हाल फिलहाल केवल बाइनोमियल वाली टर्म्स को ही पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ट्राइनोमियल पे बिल्कुल नहीं गौर करेंगे। तो चैप्टर का नाम ही बाइनोमियल थ्योरम ही है, ठीक है। बाइनोमियल माने केवल दो टर्म वाला एक्सपेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म की पावर होल अगर एन है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, समेशन आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू एन एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकंड टर्म की पावर आर, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई की होल पावर 3, इसका फॉर्मूला सब जानते हैं, एक्स प्लस वाई की होल पावर 3 का, ठीक है। बाइनोमियल से बना कैसे है वो देखो, इसमें कैसे यूज करना है ध्यान से सुनना, इसका सेंस भी समझ में आ जाएगा समेशन का। तो एन कितना है, 3, ठीक है। तो 3C0 स्टार्टिंग कहां से, 0 से। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 0, और सेकंड टर्म की पावर कितना, 0 लिखा है, सेकंड टर्म की पावर आर। समेशन का मीनिंग है स्टार्टिंग अपन कहां से करेंगे, आर इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, एन तक, 3 तक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बोलो 3C1, फिर बोलते जाओ 3C1, फिर एक्स की पावर 3 माइनस 1 और वाई की पावर 1, और बोलो 3C2, फर्स्ट टर्म की पावर 3 माइनस 2, सेकंड टर्म की पावर 2। इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट टर्म पे आता है और यहां जो वैल्यू होती है वो आती है सेकंड टर्म पर, ठीक है। फिर 3C3, एक्स की पावर कितनी, 3 माइनस 3, वाई की पावर कितना, 3। एंड हम कहां पर कर देंगे, जहां आर की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की थी, और एंड कहां पे हो गया, 3 पर, माने एन पर, आर इक्वल टू 0 से लेके आर इक्वल टू एन तक। तो समेशन का मतलब सारी टर्म्स प्लस होती चली जाएंगी, और आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके एन तक। और एक बात का ध्यान रखना हमेशा, पावर अगर 3 है तो इसमें टर्म कितनी मिली, मिली अपन को 1 2 3 4, अगर पावर 3 है तो टर्म मिलेंगी 4, पावर एन है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, एन प्लस 1। अब वैल्यू बता दे जा मेरे को, सॉल्व करो, 3C0 की वैल्यू कौन बताएगा, 1, एक्स की पावर 3 बचा, वाई की पावर 0 की वैल्यू, 3C1 की वैल्यू 3, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, 3C2 की वैल्यू बोलो 3 होगी, 3C को 3C2 को कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से अपन 3C1 लिख लेंगे, चलो एक्स की पावर 1 बाई 2, एक्स की पावर 1 छोड़ो, चलो 3C3 की वैल्यू 1, एक्स की पावर 0 की वैल्यू भी 1 है ना, और वाई की पावर 3। तो तुम लोग देख रहे हो कि एक्स प्लस वाई का होल पावर 3 का फॉर्मूला क्या बना, एक्स क्यूब 3x² y प्लस 3xy² और प्लस y, तो यही होता है ना x प्लस y का अलग का फॉर्मूला। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन किसी भी पावर वाले का फॉर्मूला बना सकते हैं। 5C0, ओके, फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 0, सेकंड टर्म की पावर 0, ओके।
सेकेंड टर्म की पावर घटती चली जाएगी और सॉरी फर्स्ट टर्म की पावर घटती चली जाएगी, सेकेंड टर्म की पावर बढ़ती चली जाएगी। देखो 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर 5-1, फर्स्ट टर्म पर इसका डिफरेंस चलेगा और सेकेंड टर्म पर ये वाली पावर चलेगी और 2a की पावर 1। फिर 5c2 एक्स की पावर 5-2, 2a की पावर 2 प्लस 5c3 बोलो इसने आप पांडे बोलो बोल बोल दिया 5c3 एक्स की पावर 5-3 हाँ और 2a की पावर कितनी 3 है ना। फिर 5c4 एक्स की पावर 5-4 2a की पावर 4। फिर 5c5 एक्स की पावर 5-5 2a की पावर कितनी 5 है ना। कोई दिक्कत नहीं है लिखना, सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना, बिल्कुल आंसर शीट से आंसर मिलाना। अब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट चाहिए क्योंकि यही कैलकुलेशन करोगे तो पूरा टाइम एक ही सवाल में लग जाएगा। देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे चाहिए, चलो प्रियांशी बोलो 5c0 की वैल्यू एक्स की पावर, केवल एक्स की पावर 5 लिखेंगे हम बस फर्स्ट टर्म में, ठीक है। अब जे नहीं लिखेंगे कि 5c0 की वैल्यू 1, 2a की पावर 0 की वैल्यू 1, तो एक्स की पावर केवल 5 लिखेंगे। 5c1 की यहां बताओ 5c1 की वैल्यू 4 5 और एक्स की पावर 4 और 2a कहियो काहे के दोष हैं। 5c2 5c2 की वैल्यू 5c2 5 × 20 के आगे 10 ऐसे और एक्स की पावर 3 2a मतलब 4a² ठीक है क्या। यस सर। प्लस 5c3 बोलो 5c3 उतना ही होता है, 5c2 होता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल ही होगी ना, तो ये भी कितना होगा 10। एक्स की पावर कितनी 2 है ना और 2 की पावर 3 8a³ प्लस 5c4 बोलिए 5 होगी एक्स की पावर 1 और 2 की पावर 4 माने 16 8e⁴। 5c5 की वैल्यू 1 इसकी वैल्यू भी 1 माने 2 की पावर 5 माने 32 8e⁵। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। और बस अब लास्ट स्टेप लिख रहे हैं इसकी एक्स की पावर 5 और 5 × 2 = 10 10 एक्स की पावर 4a प्लस 40 है ना 10 × 4 = 40 x³ a² प्लस 10 x² नहीं 80 का तो डाल 80 एक्स की पावर कितनी 2a³ और लास्ट टर्म कितना आ गया 16 × 5 = 80 सेकंड लास्ट टर्म एक्स ए की पावर 4 और 32 बस ये है आंसर। तो तुम दे वाला फॉर्मूला लगा दिए करो, इससे थोड़ी फास्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। 1 + x³ (n), 1 + nc1x, nc2x² (nc3x³), nc n x³ (n). अगर स्टार्टिंग में 1 है जो भी उसी फॉर्मूले से बना है, पहले वाले फॉर्मूले को लगाओगे तो सॉल्व करोगे तो पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 ही आएगी सॉल्व करके। क्यों आएगी? क्योंकि फर्स्ट टर्म सब में 1 लिखोगे तुम, है ना। और तो इससे बढ़िया जे वाला फॉर्मूला लगाए ना इसमें, तो कैसे लगाए बोलो जल्दी बोलो। 1 + 7c1x की जगह -3x ओके, फिर 7c2 फिर -3x² 7c3 -3x³
और प्लस डॉट 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 लगा दो, सेवन सी सेवन माइनस थ्री एक्स की पावर एस, तो कितना फास्ट कम हो जाएगा, ठीक है भाई। उस वाले पहले वाले फॉर्मूले से लगाओगे तो लिखोगे वन की पावर इतना, वन की पावर काय को लिख रहे हैं, वन की पावर तो कितनी भी हो वो तो बन ही रहेगा। सेकंड टर्म की पावर चले तब, यस ठीक है, सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व करना है, आंसर सीट से आंसर मैच करो, वो तो पूरी सारी टर्म डॉट डॉट क्या लगाई वो तो सबके आंसर भी होंगे उन्होंने। टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी इसमें, एट, तो पूरे आठ टर्म की वैल्यू दी होगी। अभी तो काफी दूर तक लिख सकते हैं यहाँ तक, आवाज करेगी अभी तक नूतन सॉल्व हुई कहाँ थी। तो जिसका पूरा आंसर आ जाए तो मेरे को बता देना, फिर मैं यहाँ सारी टर्म ले लूँगा। वन प्लस सेवन सी वन माइनस लिख दे, माइनस के 21x है ना, फिर सेवन सी टू माने सेवन सिक्स और टू वन और थ्री का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है, फिर सेवन सी थ्री सेवन सिक्स फाइव, फिर फोर सॉरी थ्री टू वन और थ्री की पावर थ्री, और ये माइनस में हो जाएगी टर्म है ना, थ्री की पावर थ्री और एक्स की पावर थ्री, प्लस फिर सेवन सी फोर आएगा, है सेवन सी फोर को सेवन सी थ्री लिख रहा हूं मैं, सेवन सिक्स फिर थ्री टू वन और थ्री की पावर फोर एक्स की पावर फोर, प्लस प्लस क्यों माइनस आ जाएगा, सेवन सी फोर के बाद सेवन सी फाइव, सेवन सी फाइव को सेवन सी टू लिख दे, है ना, तो सेवन सी टू माने सेवन सिक्स और टू वन और थ्री की पावर कितनी, सेवन सी फाइव, थ्री की पावर फाइव है ना और एक्स की पावर फाइव, फिर सेवन सी फाइव वाली टर्म हो गई, सेवन सी सिक्स सेवन सी वन हो जाएगा, सेवन सी वन माने सेवन सेवन बस और थ्री की पावर सेवन और नहीं सिक्स वाली टर्म आएगी सर, सेवन सी सिक्स, हाँ एक्स थ्री की पावर सिक्स और एक्स की पावर सिक्स और लास्ट में सेवन सी सेवन माने वन हो जाएगा, और या लास्ट में लिख दें चलो सेवन सी सेवन और एक्स थ्री की पावर सेवन और एक्स की पावर सिक्स, ठीक है, हाँ माइनस लग गया। अब बस अब तो सीधा सीधा आंसर बोल दो, वन माइनस ट्वेंटी वन एक्स जी कितना, सात इक्कीस और इक्कीस और नौ वन एट्टी नाइन और बोलो थ्री या सिक्स कितना, थर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन का इंटू कितना, 945 एक्स क्यू और बोलो जे थ्री टू या सिक्स कितना, 2825 एक्स की पावर फोर है ना, और जी कितना, माइनस 5103 एक्स की पावर 5103 एक्स की पावर फाइव और बोलो इसका बोलो, प्लस 5103 5103 एक्स की पावर सिक्स है ना, और ये 3 87 एक्स की पावर कितना,
2187 x की पावर 7, बस यही आंसर है। इससे आगे इसमें क्या करना पड़ेगा, सुनो जरा देखो, वन को अलग कर दो, x प्लस एक्स स्क्वायर को सेकंड टर्म में काउंट करके चलेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर को x मान के चलेंगे, है ना। चलिए लगाओ बाइनोमियल थ्योरम, बताओ, बोलो बोलो कौन बोलेगा, वन प्लस थ्री सी वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन, ठीक है, फिर थ्री सी टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, थ्री सी थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री, ऐसे एक दो तीन चार टर्म, ठीक है, क्या बताओ। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ, और सेकंड टर्म माने एक्स की जगह हम यूज कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इनके होल स्क्वायर ओपन और कर दूंगा, तो वन प्लस थ्री सी वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी टू की वैल्यू थ्री सी वन की इक्वल ही लिख दे, हाँ, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर टू एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री सी थ्री, थ्री सी जीरो लिख दो, इसका फॉर्मूला लगा दो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस का थ्री एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी होगी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर थोड़ी है। वो ऐप ऐसा है जिसे रिकॉर्डिंग करते हैं, फोन आता है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तुम देख रहे हो घंटी भी सुनाई नहीं दे रही, क्यों अब तो सॉल्व कर लोगे इसको। थ्री सी जीरो की वैल्यू वन, चलो बोलो, वन प्लस थ्री सी वन कितना थ्री, है ना, थ्री का इंटू कर दो इसमें, थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री सी वन की वैल्यू भी थ्री है ना, तो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स की पावर फोर, थ्री टू जा सिक्स एक्स क्यूब, है ना, ठीक है, थ्री सी जीरो की वैल्यू तो वन होती है, तो ये तो डायरेक्ट लिख दो इसको, एक्स क्यूब एक्स की पावर सिक्स प्लस थ्री एक्स की पावर फोर फाइव हो जाएगी, और थ्री एक्स की पावर सेम पावर वाली टर्म प्लस माइनस कर, ठीक है, फाइनल आंसर बता दो, लास्ट स्टेप आंसर की बोलो, वन पावर एसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, सबसे पहले एक्स कितने हैं इसमें, यही है बस, कहीं और है क्या, एक्स की पावर वन वाला यही है, थ्री एक्स, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, चलो ठीक है, हाँ एक्स स्क्वायर कितने हैं, ये दो हैं, है ना, सिक्स एक्स स्क्वायर, अब एक्स की पावर थ्री वाली टर्म बोलो, सेवन एक्स क्यूब, फिर उसके बाद एक्स की पावर फोर वाली टर्म सिक्स है, ये वाली और ये वाली, और फिर उसके बाद एक्स की पावर फाइव दिखाई दे रही है, एक ही है, फिर उसके बाद एक्स की पावर सिक्स वाली टर्म कितनी है, एक ही है, बस। तो ए ए प्लस बी की पावर सेवन और ए माइनस बी की पावर सेवन, अगर मैं इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करूंगा
तो टोटल टर्म आठ आएंगी ना इसमें, ठीक है, इसमें भी आठ ही आएगी, लेकिन कुछ कैंसिल आउट होंगी ऑड पावर वाली टर्म, ऑड वाली, इवन वाली कौन कौन सी बच जाएंगी जो बताओ, मतलब कौन कौन सी टर्म ऐड होगी डबल हो जाएंगी, कौन आकर लगा के बताएगा, अब बताओ, बताओ एक मिनट, दो मिनट लगा लो, चलो पांच मिनट लगा लो, भाई जितना पता है ना टर्म कुछ कैंसिल आउट होंगी, क्या लिख दूं डायरेक्ट, देखो ये आ जाएंगी डबल में सेवन इवन वाली, सेवन सी जीरो, ए की पावर सेवन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, प्लस सेवन सी टू, ए की पावर सेवन माइनस टू, बी की पावर टू, सेवन सी फोर, ए की पावर सेवन माइनस फोर, बी की पावर फोर, और सेवन सी सिक्स, और ए की पावर सेवन माइनस सिक्स, बी की पावर सिक्स, बस ये आ गया। अब ध्यान से समझना, सेवन सी वाली सेवन सी वन वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी, इसकी निगेटिव आएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, केवल इवन इवन वाली, देखो इवन टर्म में क्या होगा, यहाँ पे भी बी पॉजिटिव देगा, यहाँ पे भी बी पॉजिटिव देगा, तो इवन वाली क्या हो जाएंगी, जस्ट डबल डबल लग जाए, तो फॉर्मूला तुम तो याद कर, ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी की पावर कुछ भी हो, बीच में अगर प्लस है तो कौन सी टर्म रहेंगी जिनमें यहाँ आर क्या चल रहा हो, इवन, सेवन सी जीरो, सेवन सी टू, सेवन सी फोर, सेवन सी सिक्स, क्यों, अगर एन सेवन है तो बस इतनी इवन टर्म आएगी और डबल में आएगी, और अगर यहाँ बीच में माइनस होगा तो ऑड वाली आएगी, ऑड वाली आएगी, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन का जवाब यहाँ हो जाता है, इसमें कितनी टर्म है, एक दो तीन चार, तो अगर पावर सेवन है तो सेवन तक इवन नंबर कितना आएगा, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो टू फोर सिक्स, कितनी टर्म हो गई, चार, चार टर्म हो गई, तो अब तुम क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट्स के जवाब दे सकते हो, ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, टू बोलो, सेवन सी जीरो, ये कितना है, ये और सॉल्व कर लो, और करो, और सेवन सी जीरो की वैल्यू वन, ए की पावर सेवन बच रहा है यहाँ पर, है ना, सेवन सी टू बोलो, सेवन सिक्स टू वन, ए की पावर कितनी, फाइव, बी स्क्वायर, और सेवन सी टू लिख दो इसको, सेवन सी थ्री, तो सेवन सिक्स फाइव, थ्री टू वन, ए की पावर कितनी, थ्री, बी की पावर फोर, सेवन सी सिक्स, सेवन सी वन लिख दें, सेवन, ए की पावर वन, बी की पावर सिक्स, टू, ए की पावर सेवन, ये आ जाएगा ट्वेंटी वन, ए की पावर फाइव, बी स्क्वायर, और ये सात बजे पैंतीस हो गए, ए की पावर थ्री, बी की पावर फोर, और सेवन ए बी की पावर सिक्स, अब वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह कितना, टू, और बी की जगह रूट थ्री, और आंसर बताओ कितना गया, वैल्यू रख, ए की पावर माने टू की पावर सेवन, ट्वेंटी वन, टू की पावर फाइव, और रूट थ्री की पावर स्क्वायर, टू की पावर थ्री, रूट टू की पावर फोर, रूट थ्री की पावर फोर, शाबाश, सेवन इंटू टू है ना, और रूट थ्री की पावर सिक्स, अरे भाई जी बताओ, चलो सॉल्व करो, टू, टू की पावर सेवन कितना, दो दिन चार चार दिन आठ सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अट्ठाईस, प्लस जी कितना हो गया, टू की पावर फाइव कितना, थर्टी टू है ना,
तो 21, 32 और ये कितना 3 प्लस ये 35 और 2 की पावर 3 माने 8 और ये रूट 3 की पावर 4 माने 9 है ना। ठीक है 7 × 2 = 14 और 2 × 3 की पावर 6 कितना 3 की पावर 3 3 की पावर 3 × 9 = 27 यही आंसर है चलेगा वो आएंगी। तो कौन कौन सी टर्म आएंगी बताओ डबल में 6c1 है ना फिर रूट 2 की पावर कितनी 6 − 1 हाँ इससे करेंगे फिर 6c3 रूट 2 की पावर 6 − 3 फिर प्लस 6c5 और रूट 2 की पावर 6 − 5 बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि हमें केवल ऑड वाला टर्म लिखना है तो जिसमें आर ऑड चलेगा तो 6 तक ऑड नंबर कौन कौन से चलेंगे 1 चलेगा 3 चलेगा 5 चलेगा बस इसे सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितनी टर्म अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बोलोगे 1, 2, 3 3 टर्म्स बोलोगे ना केवल चलो तो 2 6c1 रूट 2 की पावर 5 6c3 रूट 2 की पावर 3 6c5 माने 6c1 लिख दो रूट 2 की पावर 1 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। ठीक है चलो जी सबको पता है 6c5 को 6c1 लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। चलो 6c1 की वैल्यू 6 रूट 2 की पावर 5 कितना होगा रूट टू 5 × 4 × 4√2 बिल्कुल सही 6c3 6 5 4 3 2 1 और 2√2 6 2 6 × 24√2 और ये 3 × 2 = 6 5 × 20 = 40 और 6√2 24 और 40 कितने 24 और 36 30 और 40 70 70√2 और फाइनली आ गया 140√2 है ना। हाँ डबल में 4 पावर क्या लिखेंगे 4c0 है ना बीच में प्लस है तो कौन कौन सा 0, 2 और 4 वाली 4c0 ए स्क्वायर की पावर कितनी 4 − 0 और अंडर रूट ए स्क्वायर −1 की पावर कितनी 0 फिर 4c2 है ना ए स्क्वायर की पावर कितनी 4 − 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर −1 की पावर कितनी 2 और फिर 4c4 ए स्क्वायर की पावर कितनी 4 − 4 है ना और अंडर रूट ए स्क्वायर −1 की पावर कितनी 2 4c 0 1 ये ए की पावर 8 ठीक है 4 × 2 = 8 इसकी पावर 0 है छोड़ो 4c2 कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 12 × 6 है ना 6 ए की पावर कितनी हो जाएगी 4 × 2 = 4 और ये ए स्क्वायर −1 स्क्वायर रूट कट जाएगा उसका 4c4 − 1 ये 0 है ये भी 1 ये बचा ए स्क्वायर −1 का स्क्वायर ठीक है और 2 ए की पावर 8 और 6 ए की पावर मल्टीप्लाई करो उसका हाँ 6 ए की पावर 6 और −6 ए की पावर 4 है ना और प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करो ए का स्क्वायर और −2a² और प्लस का 1 फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर −2ab + b² ठीक है पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी में भी लिखो तो ए की पावर 8
और सिक्स है नहीं कहीं, और माइनस फाइव ए की पावर फोर और माइनस टू ए स्क्वायर और प्लस वन, टू का इंटू कर दो यही आंसर है। आंसर चेक कर